कक्षा 10 गणित जो प्रश्नावली है 5.1 का हमारा जो चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, बाकी चैप्टर और बाकी एक्सरसाइज करा रखे जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 4th के 6 पार्ट से बाकी सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक, वीडियो को अभी कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पार्ट। ठीक, हमारे पास जो सीरीज दे रखी है वो कैसे दे रखी है, देखो क्या है, 0.2, 0.22, फिर 0.222, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहे हैं। सो देखो हमारे पास प्रथम d1 क्या होता है, a2 - a1। a2 क्या है हमारे पास, 0.22, माइनस करना हमें 0.2, इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 बढ़ा लो, माइनस करते हैं तो 2 0 0.02 है d1। d2 निकालते हैं जो कि होता है a3 - a1। a3 कितना है हमारे पास, 0.222, और a2 कितना है हमारे पास, 0.22, पीछे कुछ नहीं तो 0 बढ़ा लो, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 0। तो देखो ये 0.02 तो है, यहाँ है 0.002, तुम क्या लिखेंगे, चूंकि d1 d2 के बराबर नहीं है अतः या ap नहीं है। ठीक है, ap नहीं है तो हमें नेक्स्ट के 3 पद भी हमें नहीं निकालने हैं, अगर ap होता तो हम 3 पद निकालते हैं। ठीक, तो ये छठा पार्ट हो गया आराम से। 7वें पार्ट पे आ जाऊं। ठीक, अगला पार्ट क्या हमारा, 0 - k4 - k8 - k12, तो ये दिखने से ही लग रहा है कि ये ए बी है। तो देखो d1 क्या होगा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद माइनस के 4। d2 क्या होगा, तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, तो माइनस 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 प्लस, माइनस 8 से 4 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेगा, क्योंकि d1 बराबर d2 है अतः यह AP है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो हमें नेक्स्ट के और 3 पद निकालने, मतलब और 3 पद आगे निकालने, तो क्या होता है और 3 पद निकालने, मतलब 4 है तो 5वां पद क्या होगा, e4 में d ऐड कर दो, मतलब माइनस के 12, d कितना है, माइनस के 4 माइनस के 16, माइनस 4 और जोड़ देंगे माइनस के 20, माइनस के 4 और जोड़ देंगे इसमें तो माइनस के 24, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आते हैं 8वें पे। ठीक, तो क्या है, -k 1/2 - k 1/2 - k 1/2 - k 1/2। ठीक है, तो ऐसे को पता है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट सीरीज। ठीक है, मतलब अचर श्रेणी, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें बराबर होती है ना, मतलब -k 1/2 - k 1/2 - k 1/2 - k 1/2 बार बार आ रहा है ना, तो ये अचर श्रेणी है। ठीक, तो इसमें जो डी होता है, ऐसे प्रश्न इसमें जो सर्वांतर होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। सर्वांतर जो डी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और जो नेक्स्ट के 3 पद हैं a5 a6 a7, तीनों वही होंगे, -k 1/2 - k 1/2 - k 1/2। तो ये प्रश्न भी आराम से हो गया। 9वें पे आते हैं। 1 3 9 27 ऐसा है देखो, तो पहला डी निकालेंगे, a2 - a1 2 है, d2 निकालेंगे, a3 - a2 6 है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है अतः यह ए पी नहीं है।
ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 10वें पार्ट पे, क्या है ए, 2A, 3A, 4A। तो देखो D1 निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, 2A में से एक A माइनस करेंगे तो एक ही A बचेगा, तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, 3A में से 2A माइनस करोगे तो A बचेगा। चूंकि D1 बराबर D2 और हमारा शार्वंतर कितना है, A है, अतः यह AP है। AP है तो आगे के और पद निकालने हैं, ठीक है। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D, A4 कितना है, 4A, D कितना है, A है, 4A प्लस A 5A। तो A6 भी क्या हो जाएगा, 5A में A ऐड करोगे तो 7A, और सॉरी 6A, और A7 क्या हो जाएगा, 6A प्लस A 7A आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। सो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर। देखो D1 कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और D2 कितना है, ए क्यूब माइनस ए। तो ये और ये बराबर हैं क्या, नहीं है, क्योंकि शार्वंतर बराबर नहीं है, D1 और D2 बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ढंग से देखना। अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। देखो अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना, यानी कि ये क्या है, 2 रूट 2 है। 18 को हम कैसे ले सकते हैं, 9 गुणा 2, 9 का कितना होता है, 3 होता है, इसका जोड़ा नहीं बना तो 3 रूट 2। एक्चुअली ये क्या है, ये 2 अंडर रूट 2 हैं, ये 2 अंडर रूट 2 हैं, ये 3 अंडर रूट 2 हैं, और ये 4 अंडर रूट 2 हैं। ये हमारे पास सीरीज है। तो देखो D1 निकालने हैं, D1 क्या होता है, A2 माइनस के A1, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2। ऐसे D2, तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाओगे तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा। D1 और D2 बराबर है, अतः यह AP है। सो पांचवा पद क्या होगा, A5, 4 रूट 2 के बाद क्या जाएगा, 5 रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 जोड़ते जाना है, फिर आएगा 6 रूट 2, फिर आएगा 7 अंडर रूट 2, ठीक। ये क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे ही अगला प्रश्न है 13, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। तो इसको हम नहीं निकाल सकते, देखो ये तो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 3 का क्या होता है, 9, ये अंडर रूट 12। सो देखो D1 जब निकालेंगे, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3, अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या नहीं घट सकती, तभी घटती हैं, तभी जुड़ती हैं जब समान तरह के होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये समान तरह के थे ना, तो ये घटा नहीं सकते। D2 तृतीय पद में से द्वितीय पद, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, घटा नहीं सकते हैं ना, तो ये बराबर नहीं है, है ना। तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं होगा हमारा। तो ये भी हो गया आराम से। अगला प्रश्न है 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1, 9, 25, 50 है ना, ये है। सो देखो D1 कितना है, द्वितीय पद माइनस 1, 8,
टू कितना है? 25 माइनस 9 यानी कि कितना आ जाएगा? 15 में से 9 गए, 6 16। तो देखो ये D1 8 है, D2 16 है, तो घटेगा ही नहीं, मतलब बराबर ही नहीं है, सिंस D1 बराबर D2 नहीं है। अतः AP नहीं है। AP होगा तभी हमें 3 और पद निकालने हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन 15वां। 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और फिर है 73, है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 25 49 73। तो D1 क्या होता है? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद 24। D2 तृतीय पद माइनस द्वितीय पद 24। चूंकि D1 बराबर D2 है, बताइए AP है। AP है तो और 3 पद निकालने हैं हमें, जैसे कि A5, वो क्या होता है? A4 प्लस D। A4 कितना? 73। D कितना? 24। जोड़ दूँ, 4 और 3 7, 7 और 2 9। A6 क्या होता है? A5 प्लस D। A5 कितना है? 97। और D कितना है? 24। 4 और 7 11, 9 2 11 और 1 12, 121। A7 क्या होता है? A6 प्लस D। A6 कितना है? 121। और D कितना है? 24। जोड़ दो, 5 2 2 4। आंसर। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।